भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। आलस्य को मीठा शत्रु कहा गया है। आलस्य का अर्थ होता है तुम्हारे में योग्यता है, कला है, गुण है, सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी तुम जीरो पर ही खड़े रहोगे। आलस्य वह चीज है जो तुमको जीरो बना देता है। आलस्य वह चीज है कि हीरो बनने वाले को जीरो कर देता है। आलस्य वह चीज है कि शिखर पर पहुंचने वालों को जमीन में गिराकर बिल्कुल थर्ड क्वालिटी में डाल देता है। आलस्य वह चीज है जो तुम्हारे मान सम्मान को भी खत्म कर देता है। आलस्य वह चीज है जो तुमको गरीब बना देता है। आलस्य वह चीज है जो तुमको खंडहर में रहना पड़ता है, झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ता है। आलस्य के कारण आलस्य इतने नुकसान हैं, तुमको सड़क पर थैला लेकर के कोई ऑटो रिक्शा का इंतजार करना पड़ता है। हाथ हिलाते रहो, थैला हिलाते रहो, आ रुको 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 रुको, जरा मुझको चलना है संगम, संगम होटल के पास। नहीं नहीं, मैं संगम नहीं जा रहा हूँ, मैं तो निहंगम जा रहा हूँ। हाँ तो दौर खड़े रहो वहीं पर, पानी बरसे फिर उसमें भीगते रहो। आलस्य तुम्हारी बहुत दुर्दशा करता है। आलसी आदमी है, उसके पास पैसे भी नहीं रहेंगे तो फिर क्या करेगा? फटे फटाए कपड़े पहनेगा, अपने परिवार को भी फटे फटाए कटे कटाए कपड़े पहनाता रहेगा, अच्छी सी दवा ट्रीटमेंट भी नहीं करा पाएगा, सस्ती मद्दी दवा ढूंढता रहेगा, और महारद्दी घूमता रहेगा, साबुन खरीदने के पैसे नहीं, मैलुआ बनकर घूमेगा, कपड़े भी गंदे पहनेगा, और पुराने चप्पल बायां चप्पल दायम घसीटेगा, और चप्पल में बद्दी टूट जाएगी तो रस्सी बांध करके चलेगा। अब लोग सोचेंगे भाई बहुत बड़ा गरीब आदमी है। गरीब नहीं आदमी है ये, आलसी आदमी है, ये मक्कार है, कामचोर है। कोई आदमी गरीब होता थोड़े है, ना कोई अमीर होता है। जो आलसी है वो गरीब है, जो मक्कार है वो गरीब रहेगा, और जो फिजूल खर्ची करेगा गरीब रहेगा, जो खूब सोएगा कुंभकर्ण की तरह 10 घंटा वो गरीब रहेगा, जो काम नहीं करेगा गरीब रहेगा। गरीब कौन बनाया तुमको? तुम्हारे बाप ने बनाया है कि तुम्हारे पड़ोसियों ने बनाया है कि सरकार ने बनाया है? गरीब तुम खुद अपने आलस्य के कारण हो, निकम्मापन के कारण गरीब बने हुए हो। काम क्यों नहीं करते हो? 3 टाइम खाते हो, काम क्यों नहीं करते हो? मैं कहता हूँ काम नहीं करना चाहते तो खाना बंद कर दो, सोना बंद कर दो, नहाना बंद कर दो, फिर रजाई ओढ़ना बंद कर दो, सब ठिकाने बुद्धि आ जाएगी तुम्हारी। काम करो, बेईमानी छोड़ो, आलस्य मत करो। और पुरुषार्थ करने से आदमी की उन्नति होती है। जो लोग आलस्य का त्याग कर देते हैं, झुग्गी झोपड़ी में उनका जन्म हुआ था, मेहनत करके परिश्रम करके बहुत सुंदर 3 मंजिल 4 मंजिल मकान बना लेते हैं, बहुत सुंदर 4 व्हीलर गाड़ी खरीद लेते हैं, 2-4-6 लाख की 10 लाख वाली, और खूब मेहनत जो करते हैं, आलस्य बिल्कुल फटकने नहीं देते, पास में अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, फीस देते हैं, और कोई बीमारी आती है अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते हैं। अब सामान्य डॉक्टर मर्ज भी नहीं जान पा रहा, मरीज को नहीं समझ पा रहा, और उल्टा पलटा दवा दे रहा और रिएक्शन कर रही है, तुम्हारे बच्चे की एक टांग ही खराब हो गई। तो इसलिए धनवान होना भी जरूरी है, लेकिन इसके लिए आपको आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। अगर आलस्य का त्याग आप नहीं करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है।